चलो भाई यहाँ पे देखो, कल हम लोगों ने जो भी बातें की टॉर्क के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम यूज करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। आपको डायरेक्टली ऐसा पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एडवांटेज, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट देना चाहता हूं गुड कि मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को एक तो नाम समझ में आना चाहिए, आइडियल लीवर। ये सब हम लोग बचपन से महसूस करते आ रहे हैं, हमको ये सब पता है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इक्वेशन वाइज डिराइव करना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमको ये पता है कि जो अपना मन वो पकड़ आता है, पकड़ पकड़ बताया आप लोगों को। हाँ पकड़ में देखो, जहां से आप उसको मतलब हैंडल होता है, उसका लेंथ ज्यादा होता है, और जो वेट या तो जो भी चीज हम उससे पकड़ते हैं उसका लेंथ क्या होता है, कम होता है। फिर आप लोगों को शायद पता होगा, सांसी में भी ऐसा ही होता है सर। सांसी जो होती है, सांसी में देखो जो जहां से पकड़ते हैं मतलब उसका जो हैंडल होता है उसका लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, और जिस चीज को हम पकड़ते हैं उस पार्ट का लेंथ क्या होता है, कम होता है। क्या ये सबको पता है? फिर शायद कोई एक साइंटिस्ट ने ऐसा बोला था, अगर आपको नाम याद हो तो आपको पता चलेगा, कि अगर मुझे अर्थ के बाहर खड़ा कर दिया जाए, अगर मुझे अर्थ के बाहर खड़ा कर दिया जाए और मुझे बहुत ही लंबा सा रॉड दिया जाए, क्या दिया जाए मुझे, रॉड, तो उसने ऐसा बोला था कि ये अर्थ है, मुझे अर्थ के बाहर खड़ा कर दिया जाए और मुझे बहुत ही लंबा सा रॉड दिया जाए और यहाँ पे सपोर्ट हो, क्या हो यहाँ पे सपोर्ट, तो मैं आराम से इस रॉड से पूरी अर्थ को डिस्प्लेस कर सकता हूँ। ये सब कहानी क्यों है, ये सब बातें आज हमें क्यों करनी है, तो हमें उसके लिए आइडियल लीवर समझना है। क्या समझना है हमें उसके लिए, आइडियल लीवर। ध्यान से देखो आइडियल लीवर क्या है, और आइडियल लीवर से हमको क्या मिलता है, मैकेनिकल एडवांटेज। क्या मिलता है अपने को, मैकेनिकल एडवांटेज। तो जो आइडियल लीवर है वो लाइट रॉड है ऑफ हाँ नेग्लिजिबल मास, पाइवोटेड एट द पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ। आइडियल लीवर इज, इट इज अ लाइट रोड ऑफ नेग्लिजिबल मास पाइवोटेड। व्हाट डू यू मीन बाय पाइवोटेड? पाइवोटेड का मतलब क्या है, आपको शायद किसी भी चीज को हम सपोर्ट देते वो हैं, जॉइंट होता है ना। हाँ जॉइंट जो होता है पाइवोटेड, हाँ जॉइंट जो होता है वहां से हम उसको सपोर्ट देते हैं एट द पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ। पाइवोटेड एट द पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ, ये हमारी हो गई टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन। ओके, हम लोग अभी सिर्फ टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन देखते हैं, बाद में मैं मेरे ओरिजिनल केस में आऊंगा। मेरा ओरिजिनल केस क्या है, सपोज कि एक रॉड है जिसका मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी मतलब कि रॉड हर एक जगह कहीं से भी ऐसे खड्डा वड्डा कुछ नहीं है, बराबर है। अच्छा,
ये जो रॉड है, सी इसका मैं सिंपली यूज क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, मुझे कोई एक चीज को उठाना है, क्या करना है, मुझे चीज को उठाना है, मैं अगर उसको ऐसे हाथ से उठाने जाऊंगा तो मुझे जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे उससे कम फोर्स में यही चीज को उठाना है तो मैं क्या करूं। तो उसके लिए सपोज कि यहां पे मैंने वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे उठाना है, ओके, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है मतलब कोई ऐसा बोलेगा कि सर मैं इस रोड पे उस ऑब्जेक्ट को हाथ से उठा के रख दूंगा, अरे पगले तो इस रोड की जरूरत क्या है, ऐसा नहीं है, वो ऑब्जेक्ट एज इट इज पड़ा हुआ है, मैं क्या करता हूं रॉड को अंदर घुसाता हूं, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, मैं किसको अंदर घुसा रहा हूं, अंदर मतलब उस ऑब्जेक्ट के नीचे मैं रॉड को ऐसे सिर्फ टच कर रहा हूं, समझो ध्यान से, और इस रॉड को इस पॉइंट पे सपोर्ट दिया हुआ है, मतलब पाइवोटेड किया है, ओके, और मैं यहां से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, सी आई एम स्टैंडिंग ऑन हियर, मैंने इस रॉड को उस ऑब्जेक्ट के नीचे घुसाया और फिर मैं इस रॉड पे क्या दे रहा हूं, फोर्स दे रहा हूं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके, मैं जो फोर्स दे रहा हूं, मैं जो फोर्स दे रहा हूं वो F2 है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F1, एम आई क्लियर हो रहा है माइंड में, इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस रॉड पे जो नीचे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन है, F1 है, यहां पे जो मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो क्या है, F2 है, और इस पॉइंट पे जहां से मैंने उसको पाइवोट किया है, इस पॉइंट पे सरफेस टच हुई, आपको पता है कि एक सरफेस पे अगर दूसरी सरफेस रहती है तो ये सरफेस उस सरफेस पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करती है कि नहीं करती, बिल्कुल करती है, तो यहां पे इस पाइवोटेड सपोर्ट की वजह से क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सीधी सी बात है, मैं जब इस पे से फोर्स अप्लाई करूंगा, तब यहां पे हम लोग दो प्रकार के इक्विलिब्रियम को देखेंगे, एक इक्विलिब्रियम आएगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा इक्विलिब्रियम आएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, समझना ध्यान से, दो प्रकार के इक्विलिब्रियम, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ओके, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा और यहां पे नोटेशन कर देता हूं, जिस ये पॉइंट ऑफ पाइवोशन मतलब यहां पे जब मैंने सपोर्ट दिया है, यहां से इसका डिस्टेंस सपोज कि मैं लेता हूं डी वन, और यहां से जहां पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है उसका डिस्टेंस मैं क्या लेता हूं, डी टू, चलो यहां तक सबको पता चला, तो यहां पे मुझे क्या करना है, इस वेट को उठाना है और किसकी वजह से उठाना है, F2 फोर्स के यूज करके उठाना है। अब यहां पे टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं कि F1 एंड F2 आर टू पैरेलल फोर्सेस, F1 एंड F2 आर टू पैरेलल फोर्सेस, ओके, और आपको यहां पे D1 एंड D2 जो है वो डिस्टेंसेस है, D1 एंड D2 जो है वो डिस्टेंसेस है, इस जगह को हम दूसरा नाम देते हैं फलक्रम, आपको इसको जो पढ़ना है वो पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जिसको जो फुल क्रम बोले, फुली क्रम भी बोले, जो भी बोलना हो बोलो, हमारे गुजराती में सब कुछ चलता है, हम कुछ भी, कोई इसको शेड्यूल बोलता है, कोई इसको स्केड्यूल बोलता है, कुछ भी बोल सकता है, आपको जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मैं यहाँ पे F1 एंड F2 आर टू पैरेलल फोर्सेस एंड D1 एंड D2
डिस्टेंस इज डी वन एंड डी टू आर डिस्टेंसेस ऑफ एफ वन एंड एफ टू फ्रॉम दी फर्क। अब यहां पे देखो, मुझे थियोरिटिकल बात नहीं करनी, मुझे प्रैक्टिकल बात करनी। प्रैक्टिकल बात यह है कि यहां पे दो प्रकार के इक्विलिब्रियम आएंगे, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की जो बात हो रही है वो क्या होगी, ध्यान से देखो। मैं ऐसा समझता हूं कि ये रॉड एज इट इज है, ना तो ये नीचे जा रहा है ना तो ये ऊपर जा रहा है, ना तो ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, ये ना तो उड़ने लगता है कि ना तो अंदर घुस जाता है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको नीचे की ओर जितने फोर्स लग रहे हैं उतना ही फोर्स उसको कहां पे लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर है तो इसका मतलब ये कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ वन प्लस एफ टू होगा कि नहीं होगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो नॉर्मल फोर्स जो होगा वो F1 एंड F2 को बैलेंस कर रहा होगा। तो यहां पे ये जो लीवर फोर्स है, सी F1 इज नोन एज लीवर फोर्स, जिसको हमें उठाना है। F1 इज नोन एज लीवर फोर्स जिसको हमें उठाना है। इट इज नथिंग बट सम वेट टू बी लिफ्टेड, सम वेट टू बी लिफ्टेड। F1 जो है वो लीवर फोर्स है जिसको हमें उठाना है, वो एक कुछ वेट है जिसको हमें उठाना है। इट इज कॉल्ड लोड, इट इज कॉल्ड लोड, इसको हम क्या बोलते हैं, लोड। बोलो यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो रहा है। लीवर फोर्स जिसको हम F1 बोलते हैं वो रियलिटी में क्या है, सम वेट टू बी लिफ्टेड, इसको मुझे उठाना है जिसको हम बोलेंगे लोड। और इस डिस्टेंस D1 को हम बोलेंगे लोड आर्म, क्या बोलेंगे डिस्टेंस D1 को, लोड आर्म, नॉर्मल फोर्स। ये सरफेस है, यहां पे कोई एक चमनलाल बैठा हुआ है तो इसको नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, वेट फोर्स। लेकिन ये ना तो नीचे घुस जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, वेट फोर्स। बोलो समझ में आया कि नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे ट्रांस, मुझे सब पूछना था कि यहाँ पे F2 तक अप्लाई हुआ ही नहीं ना फोर्स। नहीं नहीं, मैंने किया है, मैंने F2 अप्लाई किया है, मैंने ये रोड को, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि F2 अप्लाई करे और तुरंत ही वो ऐसे ऊपर आ जाए। इनिशियल सिचुएशन ऐसी है कि मैंने एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, मैंने जब स्टार्ट किया F2 अप्लाई करने का, तब की सिचुएशन आप देखो क्या होगी, F1 F2 नीचे आएगा और नॉर्मल ऊपर जाएगा, तब की सिचुएशन। तो इसको हम बोलते हैं लीवर फोर्स, किसको, F1 को। F1 क्या है, सम वेट टू बी लिफ्टेड, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, लोड। और ये D1 डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड लोड, समझ में आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन एंड लोड, ये लीवर फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, लीवर फोर्स। ओके, उसके बाद फोर्स F2 जो है उसको हम बोलते हैं एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड। फोर्स F2 जो है उसको हम बोलते हैं एफर्ट अप्लाई
टू लिफ्ट द लोड, इसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट टू अप्लाई टू लिफ्ट द लोड, और डिस्टेंस डी टू जो है, डिस्टेंस डी टू जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म, क्या बोलते हैं हम उसको, एफर्ट आर्म, डिस्टेंस बिटवीन, फलक्रम एंड एफर्ट। मतलब मैंने यहां से F2 जितना एफर्ट किया, F2 जितना एफर्ट किया किसको उठाने के लिए, F1 लोड को उठाने के लिए, मैंने F2 जितना क्या किया, एफर्ट किया किसको उठाने के लिए, F1 को उठाने के लिए। बोलो यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, अब यहां पे देखो, अब हम बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क बैलेंस में होना चाहिए। क्या बैलेंस में होना चाहिए? टॉर्क। अब टॉर्क का इक्वेशन क्या है? आर एफ साइन थीटा। टॉर्क का इक्वेशन क्या है? आर एफ साइन थीटा। इस पॉइंट के बारे में मुझे बताओ, यहां पर टॉर्क कितना लगेगा? तो एट लोड पॉइंट बताओ, टॉर्क वन इज इक्वल टू आर, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द लोड। मतलब यहां पे ये जो फोर्स है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन या तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डी वन, तो यहां पे डिस्टेंस कितना हुआ डी वन, फोर्स कितना लग रहा है एफ वन, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है F1, और यहाँ पे साइन थीटा, बोलो यहाँ पे F1 और D1 के बीच का एंगल कितना है, F1 और D1 के बीच का एंगल कितना है, 90, तो यहाँ पे आएगा साइन 90, तो मुझे यहाँ पे टॉर्क 1 मिलेगा D1 F1। सिमिलरली एट एफर्ट साइड, एट एफर्ट साइड अगर मैं देखू तो टॉर्क 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एफर्ट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है D2, और फोर्स कितना है F2, तो D2 F2, और यहाँ पे भी आप देखोगे D2 और F2 के बीच का एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे क्या आएगा D2 F2। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो आपके पास दो टॉर्क हो गए, एक D1 F1 एंड एक D2 F2। ओके, अब आप एक बात समझो कि ये दोनों टॉर्क अगर इक्विलिब्रियम में है, क्या है ये दोनों टॉर्क अगर इक्विलिब्रियम में है तभी यहां पे मुझे रोटेशनल इक्विलिब्रियम मिलेगा, वरना रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क वन मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क टू, या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टॉर्क वन माइनस टॉर्क टू इज इक्वल टू जीरो। सपोज कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यहां पे है तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया, और ये क्लॉकवाइज है तो इसको अगर मैं नेगेटिव लेता हूं, हाँ, तो टॉर्क वन पॉजिटिव है, टॉर्क टू नेगेटिव है, इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे मुझे मिला टॉर्क वन इज इक्वल टू टॉर्क टू इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क वन माइनस टॉर्क टू इज इक्वल टू जीरो। टॉर्क वन मेरे पास क्या है, डी वन एफ वन माइनस डी टू एफ टू इज इक्वल टू जीरो, तो डी वन एफ वन इज इक्वल टू डी टू एफ टू। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डी वन एफ वन इज इक्वल टू डी टू F2। Here F1 upon F2, F1 upon F2 is equal to क्या हो? F1 upon F2 is equal to D2 upon D1। This is known as mechanical advantage, most time P definition। This is known as mechanical advantage।
अभी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है शब्द का, अभी इक्वेशन को देखो, गौर से इसको देखो। अगर मुझे F2 कम अप्लाई करना है, समझो ध्यान से, अगर मुझे सी मुझे मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा चाहिए, पहले तो इसको यहां पे लिखता हूं मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल F1 बाय F2। मुझे मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा चाहिए, मुझे मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा चाहिए। अगर मुझे मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा चाहिए तो ये इक्वेशन के मुताबिक आप क्या समझ सकते हो? चलो, मैकेनिकल एडवांटेज अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं डी वन को ज्यादा लू कि कम लू, सोचो। अगर मुझे ये क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो मुझे इसमें से कौन सी क्वांटिटी कम? डी वन कम, डी वन कम लेना चाहिए तो डी टू क्या लेना चाहिए? ज्यादा। बोलो हो गया, डी टू मैंने क्या लिया? बड़ा लिया। और डी वन मैंने क्या लिया? छोटा लिया। डी टू बड़ा लिया, डी वन छोटा लिया। डी वन छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा आएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा आया, अच्छा ये मैकेनिकल एडवांटेज अगर ज्यादा आया तो समझो, समझो ये मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा आया, हाँ एफ वन तो ज्यादा ही है, ओके तो मुझे एफ टू क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ज्यादा कि कम? कम। इसका मतलब ये हुआ कि मैं छोटा सा फोर्स अप्लाई करके, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करके, मैं बड़ी सी चीज को क्या कर सकता हूँ? लिफ्ट कर सकता हूँ। वो आदमी का नाम था एरिस्टोटल, शायद हिस्ट्री पढ़ना, उस आदमी का नाम था एरिस्टोटल या तो कोई और था, उसने ऐसा बोला था कि अगर मुझे अर्थ के बाहर एक बड़ा सा रॉड लेके खड़ा कर दो तो मैं पूरी अर्थ को उस रॉड से, सिंपल उस रॉड से उठा लूं। क्यों? इसकी वजह से। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो इक्वेशन को एनालिसिस करना सीखो कि मुझे क्या ज्यादा चाहिए। नाम में ही रखा है मैकेनिकल एडवांटेज, मुझे मुझे मैकेनिकल एडवांटेज अगर ज्यादा चाहिए तो डी वन कम रखना पड़ेगा और डी टू ज्यादा रखना पड़ेगा, डी वन कम रखना पड़ेगा डी टू ज्यादा रखना पड़ेगा, और अगर मैं डी वन कम और डी टू ज्यादा रखता हूं तो मुझे एफ टू क्या लेना पड़ता है? कम। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? F2 मुझे क्या लेना पड़ता है? कम, मुझे स्मॉल अमाउंट। इसीलिए अब ये सब ये आप हर जगह पे देखो क्या एप्लीकेबल है कि नहीं है, हर जगह पे आप जितने भी वीडियोस देखोगे, जिस जगह पे इंडस्ट्री बड़ी बड़ी होती है वहां पे आप देखोगे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए क्या वो हाथ से उठाएंगे? किसी भी चीज को डिस्प्लेस कर हाथ से डिस्प्लेस करेंगे ना? इस थियरी सी समझो आप, उन लोगों को ये थियरी पता नहीं है। समझ में आ रहा है? फिजिक्स आपको ये सब कुछ बरसों से चल रहा था, जब पहले पिरामिड बनते थे, जब पहले के पुरातन काल के जब आप वो कंस्ट्रक्शन देखो तो क्या वहां पे ये सब फिजिक्स की थियरी आती थी? नहीं, उन लोगों का एक खुद का अंदर से ऐसी फील आती थी उन लोगों को, और बाद में फिजिक्स ने उसको एज अ थियरी रिप्रेजेंट किया। ये पहले से नहीं है, याद रखना। लेकिन अब हमको पता चल गया कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन सी, यहां पे मैंने यूज वर्ड किया है आइडियल लीवर। क्या वर्ड यूज किया है मैंने? आइडियल लीवर। यहां पे मैंने फ्रिक्शन 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 कुछ भी मैंने यहां पे कंसीडर किया नहीं है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो इसको एक और तरीके से लिखते हैं, ध्यान से समझना इस इक्वेशन को। दिस इज नथिंग बट डी वन इज नथिंग बट क्या है डी वन? लोड आर्म इंटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं है? इसके ऊपर से आपको कोई भी प्रकार के न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन ये थियरी पहले नहीं पूछी जाती थी, लेकिन पिछले एक दो साल से इस थियरी के ऊपर कंसंट्रेट किया गया है,
इसलिए मैंने आपको ये मोस्ट एंपी थियरी 2 मार्क के लिए, मोस्ट एंपी थियरी। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे, उसके बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस रोटेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। है कुछ नहीं, जैसे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर, किसके अंदर, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जैसे हम लोग मास के बारे में बात करते थे, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जो हम मास के बारे में बात करते थे, रोटेशन में उसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, ओके। मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते थे, केजी में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे केजी इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? ध्यान से देखो, अगर एन पार्टिकल सिस्टम है, अगर एन पार्टिकल सिस्टम है, हाँ, सपोज की ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, ओके। सपोज की ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई, सपोज की मैंने ये पार्टिकल लिया, इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका मास m1, एक दूसरा पार्टिकल लिया जिसका पोजीशन वेक्टर r2 और उसका मास m2, एक ये पार्टिकल लिया जिसका पोजीशन वेक्टर r3 उसका मास m3, एक ये पार्टिकल लिया जिसका पोजीशन वेक्टर r4 उसका मास m4, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, हो गए कि नहीं? अब यहां पर, अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, हाँ, ये ऑब्जेक्ट पूरा ऐसे घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी जो कांटे की एनर्जी है, कांटे की एनर्जी KI = क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखना ध्यान से, KI = 1/2 MIVI² where I is nothing but 1, 2, 3 so on n। बोलो हा कि ना? अगर मैं 1 ले लू तो 1/2 m1v1 square, 2 ले लू तो m2v2 square, 3 ले लू तो m3v2, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? बट आपको पता है कि V = क्या होता है, R ओमेगा, क्या ये होता है कि नहीं होता है? क्या आपको V = R ओमेगा पता है? तो क्या मैं VI = RI * ओमेगा, ओमेगा क्यों ओमेगा? क्योंकि हरेक पार्टिकल का, समझना ध्यान से, हरेक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सेम। हरेक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सेम। समझता है जैसे, हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सेम, सिर्फ उसका लीनियर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर चेंज होता है। तो KI = 1/2 MIVI की जगह पे RI ओमेगा का स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो यहाँ पे KI = 1/2 MIRI का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे ये जो MIRI स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे MIRI स्क्वायर, ये हर एक पार्टिकल के लिए अगर मैं इसको लिखूं तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर σI = 1/2 n MIRI स्क्वायर। हियर KI = 1/2 ओमेगा स्क्वायर * I, where I is known as σI = 1/2 n MIRI स्क्वायर, that is nothing but
m1r1 square plus m2r2 square plus so on mnrn square. This is nothing but moment of inertia. Moment of inertia is nothing but mass of particular particle. Mass of particle multiplied by perpendicular distance of that particle from axis of rotation का स्क्वायर. बोलो समझ में आया कि नहीं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिंपल लैंग्वेज में बोला जाओ तो I इज इक्वल टू एम इंटू आर का स्क्वायर. क्या है I इज इक्वल टू एम इंटू आर का स्क्वायर, मतलब कि मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे अभी, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो.